हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा क्विक रेशियो है एक कंपनी का, हम लोग क्विक रेशियो को बोलते हैं, LR भी बोलते हैं हम लोग, लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो 1.5:1 है, ठीक है। और करंट एसेट्स मतलब टोटल ऑफ करंट एसेट्स कितना है, 1 लाख। और CL उस कंपनी के CL कितने हैं, 40,000। तो यहाँ पे क्या हुआ कि टोटल ऑफ करंट एसेट्स कितना होता है, हाईली लिक्विड करंट एसेट्स प्लस लेस लिक्विड करंट एसेट्स। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करने हैं, इन्वेंटरीज, और वो क्या होते हैं, लेस लिक्विड करंट एसेट्स। तो मैंने मान लिया कि ये मेरे कितने हैं, एक्स, ठीक है। तो जब मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे को मेरे क्या मिल जाएंगे, हाईली लिक्विड करंट एसेट्स, ठीक है। और उसको माइनस करने के बाद, इस एक्स को माइनस करने के बाद मेरे को वो एसेट मिल जाएंगे जिनको कि मैं अपने लिक्विड रेशियो के अंदर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूले के अंदर 1.5/1 = टू पुट कर दिया 1 लाख माइनस एक्स ओवर कितने, मेरे करंट लाइबिलिटीज कितने हैं, 40,000। अब यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है, 1 0 बढ़ जाएगा, 0 से यहाँ 0 कैंसिल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 4 15 ज़ा कितना होता है, मतलब 15 4 ज़ा कितना होता है, 60। 3 0 यहाँ लगा दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 रहेगा 0 से कैंसिल होने के बाद, 1 लाख माइनस एक्स। तो अब ये एक्स को हम लोग यहाँ इस साइड लिया है, इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस से किसका हो जाएगा, प्लस का। सो एक्स इज इक्वल टू कितना आया, 40,000। मतलब कि मेरी जो इस कंपनी की इन्वेंट्री थी कितनी थी, 40,000। ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फर्म हैज करंट रेशियो 4:1, कि एक फर्म का करंट रेशियो कितना था, 4:1 CR, एंड क्विक रेशियो इज 2.5:1, और उसका LR कितना था, 2.5:1। अज्यूमिंग इन्वेंट्रीज आर 22,500, कि उसकी इन्वेंट्रीज कितनी है, 22,500। वी हैव टू फाइंड आउट टोटल करंट एसेट्स एंड टोटल करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, टोटल करंट लाइबिलिटीज। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मेरा करंट रेशियो है, मैंने इसे मान लिया कि मेरी करंट एसेट्स कितनी है, एक्स, करंट लाइबिलिटी कितनी है, वाई, मतलब टोटल ऑफ करंट एसेट्स एंड टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अपना करंट रेशियो फाइंड करूंगा तो CA/CL = 4:1, मतलब कि x/y = 4:1। तो अब इसमें हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x = 4y हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हमने अपने LR के फॉर्मूले में ऐसे पुट किया, 2.5/1 = अभी इन्वेंट्री थी, जब हम इसको अपने इस एक्स में से माइनस कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएंगे क्या, हाईली लिक्विड करंट एसेट्स, है ना। और वो क्या, और वो हम लोग किस में यूज कर सकते हैं, अपने लिक्विड रेशियो को फाइंड करते वक्त, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस एक्स में से माइनस कर दिया 2,250/y का वाई रहे, क्योंकि हम लोग करंट लाइबिलिटी सेम यूज करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 0 से, यहाँ पर पहले ये नीचे ले आता हूँ मैं, 10 हो जाएगा ये, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, 25y = 10x - 2,25,000, ठीक है। अभी सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, 10x - 25y = 2,250,000, ठीक है। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू मैंने निकाली है 4y, इसको पुट कर दूंगा, कितना आएगा, x की जगह पे 4y पुट कर कितना आएगा, 40y - 25y = 2,25,000, ठीक है। माइनस करा कितना आएगा, 15y = 2,25,000, ठीक है। तो ये वाई है, सो y = 2,25,000/15, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा 000, ठीक है। ये कितना हो गया, 15,000। मतलब कि मेरी करंट लाइबिलिटीज जो कि वाई थे वो कितनी है, 15,000, ठीक है। तो अब ये y मेरा 15,000 है, यहाँ पे y की जगह पे पुट कर देंगे कितना आएगा, तो x = कितना हो जाएगा, 60, और 000 मतलब 60,000 मेरी क्या है, करंट एसेट्स, टोटल ऑफ करंट एसेट्स मेरे कितना है, 60,000। अब हाईली लिक्विड करंट एसेट्स फाइंड करने को बोला नहीं, तो उसको भी फाइंड कर सकते हैं। उसको कैसे करेंगे, इसमें से हम लोग 22,500 माइनस करेंगे, कितना आएगा, है ना। तो हाईली लिक्विड करंट एसेट्स कितना होगा, 60,000 -2,250,000, कितना आएगा, 37,500 मेरे हो जाएंगे क्या, हाईली लिक्विड करंट एसेट्स। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज 6 लाख. वर्किंग कैपिटल कितनी है? 6 लाख. मतलब कि सी ए माइनस सी एल कितना है? 6 लाख. ठीक है. उसका करंट रेशियो मतलब कि सी ए ओवर सी एल कितना है? 2.5 over 1. मतलब ये 25 over 10. जब हम पॉइंट को नीचे पॉइंट को हटा देंगे नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा. फिर हमें फाइंड करना है उसका करंट एसेट्स एंड लिक्विड रेशियो, और उसकी इन्वेंट्रीज हमें बताइए कितनी? 4 लाख. ठीक है. तो इसको माइनस करके अपने टोटल करंट एसेट्स में से हम लोग क्या फाइंड करेंगे? अपने हाईली लिक्विड करंट एसेट, जिससे कि मैं अपना फाइंड करूंगा लिक्विड रेशियो. तो मैंने मान लिया कि मेरी करंट एसेट्स कितनी है एक्स, करंट लाइबिलिटीज कितनी है वाई. ठीक है. अभी मैंने सिंपली अपने करंट रेशियो के फॉर्मूले में पुट करा, करंट रेशियो के फॉर्मूले में पुट करा, तो एक्स ओवर वाई इज इक्वल्स टू 25 over 10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 10x is equals to 25y, then x is equals to 5y by 2. ठीक है. x कितना आ गया? 5y by 2. अब इसके अंदर वर्किंग कैपिटल में CA माइनस CL था, सो x माइनस y इज इक्वल टू कितना? 6 लाख. ठीक है. ये x वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 5y by 2 माइनस y इज इक्वल टू 6 लाख. ठीक है. LCM लिया, 5y minus 3y is equals to 6 lakh. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, कितना आया? 2y is equals to 12 lakh. देन y is equals to कितना आ गया? 4 lakh. मतलब कि मेरी करंट लाइबिलिटीज कितनी है? 4 lakh. ठीक है. ये हो गया. अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो y है अब मैं इसको इसके अंदर पुट करूंगा, मेरे को मिल जाएगा मेरा क्या? x. ठीक है. तो x इज इक्वल टू कितना आया? ये इसमें मैं पुट करूंगा, कितना हो जाएगा? 20 लाख बाय 2 कितना हो गया? 10 लाख. मतलब मेरे को एक आंसर मिल गया, मेरे सी ए कितने हैं? 10 लाख. ठीक है. अब मेरे को फाइंड करना है अपना लिक्विड रेशियो, तो उसमें से माइनस करूंगा 4 लाख, क्योंकि ये इन्वेंट्रीज हैं, ये क्या होती है? लेस लिक्विड करंट एसेट्स. अब मेरे को अपने लिक्विड रेशियो को फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? हाईली लिक्विड करंट एसेट्स. ठीक है. माइनस कर दिया 4 लाख को, इस 10 लाख में से कितना हो जाएगा? 6 लाख. ठीक है. 6 लाख. अब मेरी करंट लाइबिलिटीज मैंने कितनी फाइंड करी है? 4 लाख. ठीक है. इन 5 जीरो से ये 5 जीरो गए, कितना? 3 by 2. लास्ट में कितना आया इसका आंसर? 1.5:1. मतलब मेरा लिक्विड रेशियो कितना है? 1.5:1. ये क्या है मेरा आंसर? तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी आर 17 लाख. मतलब कि एक कंपनी की क्या करंट एसेट्स कितनी है? 17 लाख. और उसका करंट रेशियो मतलब कि करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज कितना है? 2.5:1. और उसका लिक्विड रेशियो मतलब कि हाईली लिक्विड करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज कितना है? 0.95:1. और हियर वी हैव टू कैलकुलेट द करंट लाइबिलिटी, द लिक्विड एसेट्स एंड द इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी. तो मैंने मान लिया कि मेरी करंट लाइबिलिटी कितनी है? एक्स. तो यहां पर मैं अपने इस फॉर्मूले के अंदर, इस चीज के अंदर इसको पुट करूंगा एक्स, और इसको पुट करूंगा कितना? 17 लाख. तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं. तो 17 लाख ओवर एक्स इज इक्वल्स टू 25 over 10. मतलब मैंने जब यहां से पॉइंट नीचे लेकर के आया तो यहां पे एक जीरो लग जाएगा और वो कितना हो जाएगा? 10. अब यहां किया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो सो 25x इज इक्वल्स टू 7 6 जीरोस. 25 को नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग. ओवर 25 5 5 25 5 3 15 2 5 4 20 5 0 5 1 5 5 3 35 40. तो हमारे करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट, किसका करंट लाइबिलिटी है क्या है? हमारा एक्स. हमारा एक्स क्या था? करंट लाइबिलिटी. तो हमारे करंट लाइबिलिटी हमें मिल गए कितने? 6,80,000. फिर आते हैं हम लोग इस पर लिक्विड एसेट. तो लिक्विड एसेट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? इस वाले में पुट करके. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपना करंट लाइबिलिटीज का अमाउंट पुट कर दूंगा कितना? 6,80,000. और अपना हाईली लिक्विड करंट एसेट्स कितने मान लूंगा? वाई. तो यहाँ पे पुट करते हैं आगे की तरफ. तो हमारा एल आर इज इक्वल्स टू कितना है? 0.95. फॉर्मूले में हाईली लिक्विड करंट एसेट्स मैंने माने थे क्या? वाई. सो वाई ओवर मेरे करंट लाइबिलिटीज कितना आया थे? 6,80,000 इज इक्वल टू 95/100. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 100 वाई इज इक्वल टू
95 इंटू 6840, इस 100 को मैं नीचे लेके आऊँगा तो या तो फिर ये नीचे है क्या होगा, डिवाइड होगा. सो वाई इज इक्वल टू 95 इंटू 6800 ओवर 100. 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना, आप इनका मल्टीप्लाई कर देंगे. 95, 68, 8 5 40 04 कैरी, 8 9 72 76, 6 5 30 का 03 कैरी, 6 9 54, 54 और 3 57. तो अब क्या होगा इसका, 0 6 14 का 4 1 कैरी, यहाँ पे 6. तो मेरे यहाँ पे वाई मतलब कि मेरे हाईली लिक्विड करंट एसेट्स कितने आ गए, 6 4 6 0. अब यहाँ पे 2 0 और है तो 0 0, 1 100 1000 लाख, मतलब कि मेरे हाईली लिक्विड करंट एसेट्स कितने हैं, 6,46,000. तो यहाँ पे एक और आंसर मिल गया हमको. फिर आगे हमें फाइंड करना है हमारे इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री बड़ी इजीली फाइंड हो जाएंगे, कैसे, कि हमारा टोटल ऑफ करंट एसेट हमें गिवन है 17 लाख. टोटल ऑफ करंट एसेट कितना है हमारा, 17 लाख. और मैंने बताया था कि हमारे टोटल ऑफ करंट एसेट्स कितने, दो चीज़ें होती हैं, एक तो हाईली लिक्विड करंट एसेट्स और एक लेस लिक्विड करंट एसेट्स. तो यहाँ पे हमको, मैंने अभी अभी हमारे हाईली लिक्विड करंट एसेट्स फाइंड करें कितने हैं, 6,46,000. ठीक है, और मेरे को मेरे टोटल ऑफ करंट एसेट्स गिवन है. तो अगर हम लोग इक्वेशन बनाए तो टोटल ऑफ करंट एसेट इज इक्वल टू हाईली लिक्विड करंट एसेट्स प्लस लेस लिक्विड करंट एसेट्स. मेरे को ये दो चीज़ें मेरे को गिवन है. एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी सी ए माइनस एच, वैल्यू पुट कर दी तो 17 लाख में से इसमें 6,46,000 हम लोग क्या कर देंगे, माइनस 6,46,000 माइनस करेंगे 0 0 0 4 5 6 6 0 1, मतलब कि मेरे इन्वेंट्री का अमाउंट कितना है, 10,54,000. एक ये हो गया हमारा आंसर, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया. तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 7.1:1, क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1.7:1 एंड फॉलोइंग आर सम ट्रांजेक्शन एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द करंट रेशियो. मतलब कि कुछ ट्रांजेक्शन हुई इसके रेशियो फाइंड करने के बाद, तो हमें उन ट्रांजेक्शन का इफेक्ट इसके लिक्विड रेशियो के ऊपर बताना है. पहली ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश. तो कैश हमारा क्या होता है, लिक्विड एसेट है ना. तो अब हम इधर क्या देखेंगे, हमारे फॉर्मूले के अंदर दो चीज़ें, एक हाईली लिक्विड करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज. अब इन ट्रांजेक्शन में से जो भी चीज़ इन दो चीज़ों को इफेक्ट करेगी वो हमारा रेशियो को चेंज कर देगा. तो यहाँ पे हमारा कैश है, अब खरीदा हमने, इन्वेंट्री हमारी लेस लिक्विड करंट एसेट होती है तो वो इस रेशियो के अंदर तो आएगी नहीं. हम यहाँ पे खरीद रहे हैं है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैश परचेज कर रहे हैं तो कैश कम हो जाएगा. तो अगर ऊपर वाला कम हो रहा है तो हमारा रेशियो ऑब्वियसली क्या होगा, डिक्रीज. तो फर्स्ट का आंसर क्या है, डिक्रीज. फिर है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स हमारे क्या होते हैं, हाईली लिक्विड करंट एसेट. और कैश क्या होता है, कैश भी होता है हाईली लिक्विड करंट एसेट. तो जब एक कम होगा और एक बढ़ जाएगा तो उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं हमारे उसके ऊपर, करंट रेशियो के ऊपर. तो उसका क्या होगा, न्यूट्रल इफेक्ट, मतलब कि नो चेंज. फिर सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 60,000, मतलब कि हमने 10,000 के कॉस्ट के गुड्स बेच दिए किसने में, 60,000 में. तो अगर गुड्स बेचेंगे हम लोग तो हमारा इन्वेंट्री कम होगा. इन्वेंट्री हमारा हाईली लिक्विड करंट एसेट तो होता नहीं है तो वो इस रेशियो को तो इफेक्ट करेगा नहीं, इन्वेंट्री का कम होना. मगर जब 60,000 रुपये कैश हमारे पास आएगा तो वो हमारा हाईली लिक्विड करंट एसेट को बढ़ा देगा, वो भी किस में, कैश में. कैश भी हमारा बढ़ जाएगा इनको बेचने के बाद. तो कैश बढ़ेगा, ऊपर वाला बढ़ रहा है नीचे वाला सेम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इंक्रीज होगा रेशियो. क्या हो गया, इंक्रीज. फिर आएगा सेल ऑफ एन फर्नीचर बुक वैल्यू 10,000 फॉर 7,500. फर्नीचर क्या होता है, हमारा फिक्स्ड एसेट. अगर हम बेचेंगे फर्नीचर को तो हमारा इस रेशियो पर कोई इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ना तो हमारी करंट लाइबिलिटीज इफेक्ट हो रही हैं ना तो हमारी हाईली लिक्विड करंट एसेट्स इफेक्ट हो रही हैं. ठीक है, तो फर्नीचर के बेचने पर तो कोई इफेक्ट है नहीं. मगर जब हमारे पास 7,500 कैश आएगा तो हमारा कैश भी बढ़ जाएगा इस ट्रांजेक्शन के अंदर. अगर कैश बढ़ रहा है हमारा तो हमारी हाईली लिक्विड करंट एसेट्स भी बढ़ जाएंगी. अब ऊपर वाला बढ़ रहा है नीचे वाला सेम है, तो क्या होगा, रेशियो हमारा इंक्रीज. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1:1 एंड फॉलोइंग आर सम ट्रांजेक्शन एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द क्विक रेशियो. मतलब कि कंपनी का क्विक रेशियो 1:1 और ये सारे ट्रांजेक्शन बाद में हुए और इनका, इन ट्रांजेक्शन का इफेक्ट हमको अपने क्विक रेशियो के ऊपर बताना है. तो पहला ट्रांजेक्शन है, इंक्लूडेड इन द ट्रेड पेबल्स वॉज बिल पेबल ऑफ 3,000 विच वॉज मेट ऑन मेच्योरिटी. मतलब कि
ट्रेड पेबल के अंदर बिल्स पेबल थे कितने के, 3,000 के। ट्रेड पेबल हमारी क्या होती है, करंट लाइबिलिटी। अब वापस से रेशियो ले लेते हैं, हाईली लिक्विड करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी। अब जो भी ट्रांजेक्शन इन दो चीज़ों को इफेक्ट करेगी वो हमारा रेशियो को कर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल के अंदर बिल्स पेबल है, तो ट्रेड पेबल के अंदर बिल्स पेबल है। जब हमने उनको मेच्योरिटी डेट पे हमने उनको पे कर दिया तो हमारे ये कम हो जाएंगे, करंट लाइबिलिटी कम हो रही है। साथ में हम पे करेंगे तो किससे करेंगे, कैश से, तो हमारा कैश भी कम हो जाएगा। वो क्या, हाईली लिक्विड करंट एसेट है, ठीक है। तो अभी मैंने एग्जांपल ले लिया, 100/100 का होगा। यहाँ से मेरे 10 रुपये के बिल्स पेबल गए, यहाँ से मेरे 10 रुपये का कैश गया, 90/90, 1:1 आंसर। तो कोई चेंज आया रेशियो के अंदर, नहीं आया, क्योंकि जब भी ये दो चेंज होंगे 1:1 रेशियो में है और एक ही ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चेंज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनका आंसर हमेशा 1:1 आएगा, क्योंकि चेंज ऊपर नीचे कैसा हो रहा है, सेम। अगर हम ऊपर से माइनस करेंगे 10 तो नीचे से -10 करेंगे, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में फिर डबल इफेक्ट जाएगा, ठीक है, हमारे हाईली लिक्विड करंट एसेट के ऊपर और हमारे करंट लाइबिलिटीज के ऊपर भी। तो ये इस रेशियो का आंसर क्या है, नो नो चेंज। फिर डिबेंचर्स ऑफ 50,000 आर कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेयर्स। अब डिबेंचर्स हमारे क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म डेट, मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे हमारे नॉन करेंट लाइबिलिटी तो है भी नहीं, तो इस रेशियो के ऊपर डिबेंचर्स का कन्वर्ट होना या फिर डिबेंचर्स का आना रेशियो को कोई भी चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज। बट यहाँ पे इक्विटी शेयर्स भी है। अब इक्विटी शेयर हमारा क्या होता है, शेयर होल्डर फंड। यहाँ पे शेयर होल्डर फंड भी कहीं पर भी नहीं है, तो अगर शेयर होल्डर फंड बढ़ेगा कम होगा तो उससे क्विक रेशियो के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमारा रेशियो में नो चेंज रहेगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 1:1 एंड फॉलोइंग आर सम ट्रांजेक्शन एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द करंट रेशियो। एक कंपनी क्विक रेशियो क्या 1:1 और दीज आर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन व्हिच हैपन आफ्टर वी डिटरमाइन द रेशियो। तो ये ट्रांजेक्शन है, पहली क्या है, पेड रेंट इन एडवांस, कितना, 3,000 रेंट एडवांस में पे कर दिया। तो हाईली लिक्विड करंट एसेट लिख लिया हमने यहाँ पे, करंट लाइबिलिटीज लिख ली यहाँ पे, ये या एल आर। अब पे करेंगे हम लोग अपना रेंट, तो किस में करेंगे, कैश फॉर्म में करेंगे, कैश फॉर्म में पे कर दिया हमने। तो ये क्या हो जाएगा, कम पे कर रहे हैं मतलब दे रहे हैं, और रेंट इन एडवांस मतलब कि क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारी हाईली लिक्विड करंट एसेट होती है, नहीं होती, वो हमारी क्या होती है, लेस लिक्विड करंट एसेट। तो इसका इफेक्ट तो सिंगल है, हाईली लिक्विड करंट एसेट पे क्या, हमारा कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है मतलब ऊपर वाला कम हो रहा है, और हमारे करंट लाइबिलिटीज पे क्या, नो इफेक्ट है। तो रेशियो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसका आंसर क्या है, रेशियो विल डिक्रीज। ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडेड डेटर श्री अशोक हु पेड हिज एंटायर अमाउंट ड्यू 9700। ट्रेड रिसीवेबल मतलब टीआर के अंदर, टीआर हमारे क्या होते हैं, हाईली लिक्विड करंट एसेट्स। इसके यहाँ दो चीज़ होती है, डेटर और बीआर। यहाँ पे डेटर है श्री अशोक, इसने हमको पे कर दिया उसका अमाउंट 9700। अब जब पे करेगा तो हमारे डेटर कम हो जाएंगे, और जब ये पे कर देगा तो हमारा कैश बढ़ जाएगा। अब एक ही हेड के अंदर एक चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम हो रही है। अब ये 100 है, इसमें मैं ऐड करूँगा 10, माइनस करूँगा 10, कोई इफेक्ट आया, आंसर क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हमारे ना तो नीचे से कोई इफेक्ट पड़ रहा है, ऊपर से इफेक्ट पड़ रहा है, बट वो एक दूसरे के, वो दोनों चीज़ें एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करें, नलीफाई। तो इसका आंसर क्या है, नो चेंज। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट लिक्विडिटी रेशियो एंड करंट रेशियो। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं क्या अपना लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या होगा, अब ये रहा हमारा करंट एसेट, ये रहा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी टोटल अमाउंट कितना है, ये वाला कितना, 2,40,000, ये क्या हमारे करंट लाइबिलिटीज। अब हाईली लिक्विड करंट एसेट्स क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल हमारा हाईली लिक्विड करंट एसेट है, कैश और कैश इक्विवेलेंट है हमारा हाईली लिक्विड करंट एसेट। अदर करंट एसेट में क्या, प्रीपेड एक्सपेंस। अगर यहाँ पे अदर करंट एसेट्स के अंदर कोई भी हमारा हाईली लिक्विड करंट एसेट्स में से कुछ होता तो हम लोग उसको भी इसमें ऐड कर देते। अभी यहाँ पे केवल ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि इन्वेंट्री हमारा हाई लिक्विड करंट एसेट नहीं है, इन्वेंट्री हमारा है नहीं हाई लिक्विड करंट एसेट है ना, ना प्रीपेड एक्सपेंस हमारा हाई लिक्विड करंट एसेट है। तो सिंपली इनको अलग ऐड करेंगे, इनको अलग करेंगे। तो हाईली लिक्विड करंट एसेट के अंदर क्या क्या ऐड करेंगे हम लोग, ट्रेड रिसीवेबल जो कि कितना है, 90,000, और क्या ऐड करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो भी कितना है, 22,800। तो कितना आया, 008211, मतलब कि 1,12,800 हमारा क्या हो गया, हाईली लिक्विड करंट एसेट्स। इसका रेशियो फाइंड कर लेते हैं, एल आर कितना होगा हमारा, 1,12,800/2,4, 4×0,
2 0 से 2 0 गए, यहाँ पे इंटू कर लेते हैं 100 हो जाएगा, एक ही बात है। 2 से 12 टाइम, 2 5 ज़ा 10, 2 3 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब 3 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 2 0 यहाँ पे, मतलब कि इन 2 0 को जब ऊपर लेके जाएंगे इधर से हटाएंगे तो क्या आएगा 0.47, मतलब कि हमारा एल आर हमारा कितना है 0.47:1, एक आ गया हमारा आंसर। अब हमें क्या चाहिए, अपना करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है, हमारा करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स कितना हमारा यहाँ पे 1,12,800 में और ऐड कर देंगे क्या, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने की है 1,20,000, और हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने के हैं 7,200। टोटल कितना हो गया 0,00,0342, कितना हो गया 2,40,000। तो हमारा करंट एसेट्स कितने, 2,40,000, ठीक है। उसके बाद अब हम ढूंढेंगे अपना क्या करंट लाइबिलिटीज, तो फिर हमारा करंट लाइबिलिटीज कितना है 2,40,000, तो सीआर कितना आएगा 2,40,000 ओवर 2,40,000, कैंसिल कर दीजिए, क्या है 1:1 आंसर हमारा। सीआर क्या है इस कंपनी का, करंट रेशियो क्या है 1:1। सो थैंक यू सो मच, आज के दिन हमारे टीएस ग्रेवाल के इलस्ट्रेशन के लिक्विड रेशियो के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्वेंसी रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।